अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो पिछले हफ्ते कुछ कबूतर आए हैं ताहिर भाई के, ऐसे गिफ्ट में आए हैं और बड़े शानदार कबूतर हैं। अभी एक एक करके शौक भी कराते हैं और किससे जोड़ लगानी है वो भी दिखा देते हैं। और अभी एक कबूतर का नहीं सोचा है कि किसे लगाना है, सोच लिया है बट वो कबूतर भी पहले ही से बच्चे भर आ रहा है तो उसी से लगानी है। तो बाकी जो अभी फूड में है उनको, बट अभी जोड़ में छोड़ेंगे नहीं क्योंकि अभी जगह नहीं है, फुल है एकदम। कोई खाली होता है तो फिर देखते हैं, नहीं तो फिर कहीं जुगाड़ लगाया जाएगा 15-20 दिन के अंदर अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिर मौसम ठंडा हो जाएगा तो फिर बेकार है, फिर अंडे बच्चे कराना उस टाइम। तो आइए दिखाते हैं एक एक करके, पहले हम लोग दिखाएंगे और किन से जोड़ लगानी वो भी दिखाते हैं पकड़ के। तो आइए पहले ललदुम्मे दिखाते हैं। और देखो ये अपना, ये अपने दोनों कबूतर हैं और ये ताहिर भाई के ऐसे गिफ्ट मिले हैं। पहले ललदुम्मे दिखाते हैं, अपना ललदुम्मा तो देख ही चुके हो, ये ललदुम्मी मादी है। तो ये देख सकते हो ये मादी है, पर देखो माशाल्लाह बराबर हैं तीनों। दुम दुम दिखाओ, पूरे लाल हैं। ये देखो आँखें, अभी इसको अपने नर से लगाना है। ये देखो इसके पंजे, चोंच की जैसे, चोंच हल्के लाल की तरह है वैसे पंजे हैं, नाखून का भी कलर है, दुम में एकदम मिलता हुआ। अपना निकालो, और इधर लाओ। ये देखो ये हमारा ललदुम्मा है, इसके दो पर बराबर है और आठवां छोटा है थोड़ा, बाकी बड़े बड़े हैं। और ये थोड़ा लाल छीटा लिया हुआ है और ऊपर। अब इसकी आंखें देखो, दुम दिखो, ये इसके दुम है। अब ये दोनों लोग, ये हो जाएंगे अब हमारे यहाँ ललदुम्मे जोड़े एकदम परफेक्ट। अभी तो जोड़ में थोड़ा रुक के छोड़ेंगे, तो बताना कैसे लगे जोड़। और सब इसी में रखो, अब वो लाल वाला जीरा निकालो। ये ताहिर भाई के आगे घर का पट्टा है लाल जीरा। इसके पंजे देखना एक नंबर है और पर भी माशाल्लाह अच्छे ही है। आंखें देखो एकदम जिस तरह की खोपड़ी जिस कलर की उसी से मिलती जुलती आंखें हैं। देखो पूरा होल लुक इसका, देखो पंजे दिखाओ, पंजे देखो इसका। अब इसका जोड़ लगाना है अपने आगे खतन मादी से, ये हमारे घर की पट्टी है। इसमें चेंजिंग करना है ब्लड लाइन में थोड़ी, क्योंकि अपने आगे खतन
दो तीन ब्लड लाइन से ही मतलब जोड़ लग रहा है, तो अब इसकी ब्लड लाइन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, देखते हैं क्या निकलते हैं कैसे निकलते हैं। और इसे कोई गोले मत समझ लेना, देसी ये गिरबाज है, हमारे घर के बच्चे हैं। इसके पर देखो, इसकी आँख, इसकी आँख देखो, दोनों बताना ये जोड़ कैसी पड़ेगी। और थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, हालांकि बच्चे ख़त्म तो नहीं आएंगे, जीरे भी आ सकते हैं, जीरे आने का चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, बट जीरे भी जो आएंगे ना तो अजीब अजीब कलर के जीरे आएंगे, जैसे ये लाल में, तो उसी तरह थोड़े जरा टाइप से जीरे लिए रहेंगे, मे भी हो सकता हो, अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब ब्लड लाइन चेंजिंग होती है तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि बाप के ख़ानदान माँ के ख़ानदान सब पे डिपेंड कर जाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है किसी माँ बाप में से ही किसी को पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं एकदम अलग चीज़, लाल छापदार मादी है, हमारे पास लाल छपके हैं, उनसे लगाना है। बदन की एकदम है, इसके पर देखो, ये लाल छापदार है, और इसको अपने आगे छपके नर से लगानी है। और इसकी आंखें हम दिखाते हैं, सबसे बेहतरीन चीज पर हटाओ, ये देखो, ग्रीन आई पिजन, हरे आँख का कबूतर, मादी का बदन जिस तरह छोटा सा है उसी तरह चोंच भी इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, खोपड़ी छोटी है, चिपटी खोपड़ी की है। और पंजे दिखाओ, पंजे इसके देखो, पूरा बदन दिखो। और इसका जोड़ भी बता रहे हैं किससे लगानी है, छोड़ रख दो। तो ओवरऑल पूरे कबूतर किनका किन से लगाना है बता दिया, अभी जब जोड़ में छोड़ देंगे, अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि अभी मुझे कुछ कबूतर जोड़ में से निकालने हैं, उसके बाद इनको छोड़ेंगे, क्योंकि अभी छोड़ देंगे तो सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और एक एक में ज़्यादा ज़्यादा हम लोग भरेंगे नहीं, तो देख लो और कमेंट करके बताना कौन सा ज़्यादा बढ़िया लगा और जोड़ सही पड़ेगी या नहीं। अभी ये इस मादी का मैं दिखाता हूँ, वो नर बैठा हुआ है, ये नर है, ये हमारे घर का बच्चा है, मुझे लगता है साल भर या 14-15 महीने पुराना होगा, और फिलहाल ये जोड़ लगाया है इस वाली मादी से, ये बैठी है। तो इसमें मेरे छपके और लाल सिरे वाला सेक्शन है, तो अभी इस देखते हैं, इसका बच्चा फर्स्ट टाइम रहेगा, देखते हैं कैसा पड़ता है, और उसके बाद फिर देखेंगे, वरना अभी नर तो काफ़ी तैयार हो जाएंगे। और इसमें एक दिक्कत ये है ना कि काली आँख से लगा रहे हैं, तो मे भी काली आँख निकले, हरी आँख निकले, जर्चे निकलने का भी चांसेस बड़े बढ़ जाते हैं, और सफ़ेद आँख से लगाएंगे तो फिर जर्चे निकलने का चांस तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसी वजह से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस हिसाब से लगाया जाए या किस तरह की काली आँख से कबूतर लगाया जाए, या तो काली आँख निकले या तो हरी आँख, हरी आँख ना भी निकले तो काली निकले, लेकिन जर्चे ना निकले, तो देखेंगे फिर उसी हिसाब से तोड़ जोड़ किया जाएगा।
तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।